सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को सबसे पहले वीडियो अपडेट पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, RRB यानी जो ALP असिस्टेंट लोको पायलट है उसकी परीक्षा का जो एनालिसिस है वो अपनी इस वीडियो में करेंगे। देखिए रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि जो RRB है उसके द्वारा दूसरी शिफ्ट में जो परीक्षा का आयोजन करवाया गया था वो परीक्षा है वो समाप्त हो चुकी है। पहले दो बदलाव हैं अब परीक्षा के, वो खत्म हो गए हैं। देखिए दो जो शिफ्ट हैं उसका आयोजन है वो करवाया जा चुका है और अब छात्र हैं वो केंद्र परीक्षा के बाहर हैं, वो निकल गए हैं। पहली शिफ्ट है उसका आयोजन करवाया गया था 1 बजे से वो शुरू हुई थी और 1 घंटे यानी कि 2 बजे तक उसका आयोजन है वो करवाया गया था। देखिए इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो परीक्षा का जो कठिनाई का जो स्तर आया था वो किस तरीके से आया था उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे और इसके साथ साथ में अपन जो तीसरी शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है उसके बारे में अपन बात करेंगे। जो प्रश्नों की जो प्रकृति है वो किस तरीके से की, मतलब उनका कठिनाई का जो लेवल है वो किस तरीके से था उसके बारे में अपन इसको वीडियो में देखने के बाद में पता चल जाएगा। देखिए दूसरी शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो स्टूडेंट के सामने बात करने के बाद में, स्टूडेंट से क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने के बाद में ये पता चला है कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो दूसरी शिफ्ट में पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चन के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक और देखिए इसी तरीके से हम हर भर्ती के बारे में आपको सूचना प्रोवाइड करवाते रहते हैं, हर एक आंसर की है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। देखिए RRB जो असिस्टेंट लोको पायलट है उसकी परीक्षा का अगर विश्लेषण की अगर अपन बात करें तो देखिए जो परीक्षा का जो पैटर्न था वो पहली शिफ्ट के समान ही था। पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे उनका जो लेवल था वो उसी के समान दूसरी शिफ्ट का लेवल था। मिश्रित प्रश्न जो है वो पूछे गए थे, यानी क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो मिश्रित था, मिक्स क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। देखिए तर्क अनुभाग विवरण यानी कि जो आपकी रीजनिंग है उसमें निष्कर्ष प्रश्नों से भरा हुआ था वो, यानी कथन और निष्कर्ष वाला है वो पोर्शन उसमें ज़्यादा पूछा गया था। देखिए परीक्षा की अवधि है वो 1 घंटे यानी कि 60 मिनट है वो इसमें निर्धारित की गई है। 60 मिनट का आपका जो रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की एग्जाम है उसका आयोजन 60 मिनट यानी 1 घंटे का आयोजन करवाया गया था। देखिए GK के सेक्शन में 4-5 प्रश्न हैं वो वर्तमान जो मामले हैं यानी जो आपके करंट अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड पूछे गए थे। देखिए आपको डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है वो भी अपन ने लॉन्च कर रखी है, आपको जो वीकली यानी जो आपके साप्ताहिक करंट अफेयर्स है वो भी अपन ने चला रखा है उसकी सीरीज़ भी, मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है वो भी अपन ने चला रखी है। तो देखिए जिस भी कैंडिडेट की अगर आगे की जो रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की एग्जाम है वो उन वीडियो को जरूर देखना, आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए GK का जो मतलब क्वेश्चन पेपर आया था वो सेक्शन था वो मध्यम स्तर का था यानी कि मॉडरेट लेवल था, ना ही तो उसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे और ना ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। उनका जो लेवल था वो कैसा था, मीडियम था। देखिए छात्र जो दूसरी शिफ्ट में जो असिस्टेंट लोको पायलट है उसकी परीक्षा के लिए जो प्रेजेंट हुए थे उसमें परीक्षा के स्तर है वो आधुनिक होने के कारण उसका जो वर्णन है वो किया गया है, यानी कि मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे वो एकदम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है वो उसमें पूछे गए थे। देखिए RRB यानी असिस्टेंट लोको पायलट और जो टेक्नीशियन है उसकी अगर अपन विश्लेषण की बात करें तो देखिए गणित के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो उसमें किस किस टॉपिक से गणित के क्वेश्चन है वो इसमें ज़्यादा पूछे गए थे। अगर उस सेक्शन की अगर अपन बात करें तो देखिए बार ग्राफ पर आधारित है वो क्वेश्चन है वो इसमें ज़्यादा पूछे गए थे, यानी कि आपके जो ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है वो इसमें ज़्यादा पूछे गए। जो पाइप और जो कतरनी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है यानी पाइप और सिस्टर्न है, पाइप और टंकी वाले क्वेश्चन है वो भी इसमें ज़्यादा पूछे गए हैं। आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है वो भी इसमें ज़्यादा पूछे गए थे, यानी सरलीकरण आपका जो टॉपिक है वो इसके क्वेश्चन भी पूछे गए थे। वर्त से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन है वो काफ़ी देखने को मिले, यानी कि आपकी जो क्षेत्रमिति है जियोमेट्री है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे। गति दूरी और समय से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन है वो इसमें दे रखे थे लोको पायलट वाली एग्जाम में। त्रिकोणमिति से रिलेटेड है वो भी इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। कार्य और समय से रिलेटेड है इस टॉपिक से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में। देखिए प्रतिशत जो टॉपिक है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। माप यानी क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिले हैं। एलजेब्रा से भी क्वेश्चन पूछे गए थे यानी कि बीजगणित से भी क्वेश्चन आए हैं। एवरेज से यानी औसत से भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और भी कई तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए इस तरीके से देखा जाए तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्हीं से रिलेटेड है वो एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो जिस भी कैंडिडेट के आगे की जो एग्ज़ाम है वो इन टॉपिक हैं जो मैथ के ये टॉपिक हैं इन टॉपिक के बारे में वो ज़्यादा केस स्टडी कर सकते हैं क्योंकि इन्हीं टॉपिक से वो ज़्यादा क्वेश्चन आंसर है वो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। आगे देखिए अगर अपन बात करते हैं कि RRB जो असिस्टेंट लोको पायलट जो टेक्नीशियन की एग्ज़ाम है परीक्षा के संबंध में अगर उसके तर्क की अगर अपन बात करें तो मिरर छवि और यानी कि जो जल छवि है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे। आपके जो जल प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर उसमें पूछे गए थे। पानी की छवि यानी कि जो जल प्रतिबिंब है उसी के रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो पूछे गए थे। त्रिकोणों की गिनती यानी कि आपको इस तरीके से आपको जो डायग्राम है वो दिया गया था इस तरीके से क्वेश्चन आंसर आपसे पूछा गया था, इसमें पूछ लिया कि कितने त्रिभुज होंगे या फिर आपको ये जो डायग्राम है वो इस तरीके से बना दिया गया
यानी कि आप देख सकते हैं ये त्रिभुज है इस तरीके से बना के, बाद में इस तरीके से बना के यहाँ पर इस तरीके से कर दिया, या फिर इस तरीके से कर दिया। बाद में पूछ लिया कि इस जो डायग्राम है इसमें कितने त्रिकोण हैं, यानी कि कितने त्रिभुज होंगे या कितने वर्ग हो सकते हैं, और तरीके से डायग्राम बना के इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो त्रिकोणों की गिनती वालों क्वेश्चनों में से, काउंटिंग वाले जो सेक्शन है उसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे। तार्किक जो विचार हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। रीजनिंग में तो विचार हैं, पूर्वधारणाएं हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे। दूरी और दिशा वाला जो टॉपिक है उससे रिलेटेड भी, रेलवे के असिस्टेंट लोको पायलट की एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। वक्तव्य और जो निष्कर्ष हैं, यानी कि सभी आलू हैं वो क्या हैं, बैंगन है, या सभी मुर्गी हैं वो क्या, टमाटर हैं, इस तरीके से जो क्वेश्चन खतन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी इसमें देखने को मिले हैं। वक्तव्य और जो तर्क हैं उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिले हैं। यानी ये खतन दे दिया, नीचे तर्क दे दिया दो, और नीचे आपको ऑप्शन दे दिया कि तर्क फर्स्ट है वो क्या है, प्रभावित है, तर्क सेकंड है वो प्रभावित है, तर्क फर्स्ट या दोनों प्रभावित हैं, और या दोनों में से एक प्रभावित है। इस तरीके से जो तर्क और जो वक्तव्य है यानी कि जो खतन है उससे रिलेटेड भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो कैलेंडर का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन इसमें, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोडिंग और डिकोडिंग वाले क्वेश्चन है वो भी इसमें पूछे गए हैं। खून का रिश्ता यानी कि जो आपके ब्लड रिलेशन वाले जो मतलब क्वेश्चन होते हैं ब्लड रिलेशन वाले, उस टॉपिक में से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि वो रिलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग का टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन आए हैं। इसमें त्रिकोणमिति है वो त्रिकोणों की गिनती है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हैं। और भी कई तरीके के क्वेश्चन आपको इसमें रीजनिंग का जो सेक्शन है उसमें देखने को मिले हैं। देखिए रीजनिंग का जो भी स्टूडेंट आगे की जो एग्ज़ाम है, रीजनिंग का ये जो पोर्शन है उन टॉपिक की आप ज़्यादा अध्ययन कर सकते हैं अगर आगे की एग्ज़ाम आप क्रैक करना चाहते हैं तो। देखिए RRB जो ALP जो असिस्टेंट लोको पायलट है, और जो टेक्नीशियन की जो एग्ज़ाम है उसका विश्लेषण, सामान्य विज्ञान और GK का जो क्वेश्चन आया था, जो समसामयिकी से जो वर्तमान मामले हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे उसके बारे में अगर अपन बात करें तो, देखिए रियो ओलंपिक से क्वेश्चन आंसर है वो पूछे गए थे। देखिए रियो ओलंपिक के लिए मैंने आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है रियो ओलंपिक के लिए, और जो फ्रेंच ओपन 2018 हुआ था उससे रिलेटेड भी मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाया है, उसमें से भी क्वेश्चन है वो जरूर पूछे गए हैं। दो या तीन क्वेश्चन आपको उस वीडियो में से पूछे गए हैं। देखिए पुरस्कार से संबंधित है वो क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने आपको पुरस्कार वाला जो वीडियो है वो प्रोवाइड करवाया था, उसमें से एक या दो क्वेश्चन उसमें से भी जरूर आए हैं। बुक्स एंड ऑथर्स हैं उससे रिलेटेड भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया है, जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं 2017 की कितनी जितनी भी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसका वीडियो मैंने आपको अलग से प्रोवाइड करवाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो से भी एक या दो क्वेश्चन इसमें ज़रूर पूछा गया है। खेल के सेक्टर में यानी कि जो फ्रेंच ओपन वाला जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया है उसमें से खेल के क्षेत्र में भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। मुख्यमंत्री और गवर्नर, देखिए भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उससे रिलेटेड मैंने आपको जुलाई के एंड में एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से रिलेटेड आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो की लिंक दे रखी है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए जिस भी कैंडिडेट की आगे की एग्जाम है वो उस वीडियो को एक बार जरूर देखना, क्योंकि उसमें से एक दो क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। और जो गवर्नर है यानी कि जो राज्यपाल है उससे रिलेटेड मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है, उसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। भारत के जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं यानी कि मुख्यमंत्री हैं, भारत के जितने भी गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल हैं, भारत के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, जितने भी प्रमुख संस्थान हैं यानी कि जैसे सूचना आयुक्त कौन है, वो विधि अधिकारी कौन है, इस तरीके से महान्यायवादी कौन है, जितने भी संस्थान हैं सभी के प्रमुखों की सूची है, उससे रिलेटेड मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है। उन सभी वीडियो की लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से उन सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगर आप दो बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको वो सारे क्वेश्चन हैं वो याद हो जाएंगे। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया, जैसे पुरस्कार वालों में से क्वेश्चन जरूर आया है, खेल सेक्टर से भी उसके फ्रेंच ओपन 2018 से, रियो ओलंपिक 2018 से क्वेश्चन पूछा गया है। मुख्यमंत्रियों से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, या फिर तो मुख्यमंत्रियों से आ जाएगा, अगर चीफ मिनिस्टर से नहीं आए तो गवर्नर से रिलेटेड यानी राज्यपाल से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। और देखिए पूछा वही जाता है जैसे कर्नाटक के जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, जो पिछले दिनों में वो चुने गए थे, तो इस तरीके से क्वेश्चन आए वो पूछे जाते हैं। देखिए आवर्त सारणी तत्वों के ऊपर आधारित प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे गए थे, आवर्त सारणी से रिलेटेड है वो भी इसमें क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। साइंस के सेक्टर के अंतर्गत जो प्रकाशिकी है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आंसर हैं वो पूछे गए थे। देखिए के प्रकाशिकी से रिलेटेड मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है, जो टेक्निकल हेल्पर की जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है। देखिए प्रकाशिकी का जो टॉपिक है वो लगभग साइंस में पूछा जाता है, और वो हर एक मतलब जैसे जिस भी एग्जाम में टेक्निकल हेल्पर की जैसे थ्योरी है उसमें भी साइंस का जो पोर्शन है वो आता है, तो उसमें मैंने आपको प्रकाशिकी के बारे में बता रखा है, तो आप वहाँ से भी उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और प्रकाशिकी के बारे में जो है उसमें पढ़ सकते हैं। आगे देखिए इसमें कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी अपनी चल रही है उसमें कंडक्टर है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। समसामयिकी के लिए आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड हो रहे हैं, जो वीकली करंट अफेयर्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज है वो भी अपनी लॉन्च कर रखी है, और अब डेली करंट अफेयर्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड होते जाएंगे। आविष्कार और डिक्शनरी, देखिए आविष्कार और डिक्शनरी, आविष्कार से रिलेटेड मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है,
जो खोज और आविष्कारक है उससे रिलेटेड मैंने आपको 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट खोज और आविष्कार को मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से समझाया है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे रखी है। देखिए ये खोज है, डिस्कवरी का मतलब क्या होता है, खोज। तो खोज और आविष्कारक से रिलेटेड मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अपन ने उस वीडियो में कवर किए हैं और उस वीडियो को बनाते टाइम मैंने आपको ये जरूर कहा था कि इससे रिलेटेड एक नए क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। और आप देख सकते हैं जो रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। आगे जो डी ग्रुप की एग्जाम होगी उसमें भी ये क्वेश्चन है वो खोज और आविष्कारक से रिलेटेड जरूर पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चन है वो जरूर पूछा जाता है। जैसे आपके जो चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री हैं, एक क्वेश्चन आना कन्फर्म है, आएगा। अगर मुख्यमंत्री से नहीं आएगा तो गवर्नर से जरूर आएगा, राज्यपाल से पूछा जाएगा। जो खोज और आविष्कार है उससे रिलेटेड है क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। जो विटामिन वाला जो टॉपिक है मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है, हर एक विटामिन का जो इसमें केमिकल नेम है वो आप मैंने प्रोवाइड करवाया है, वो सबको याद रखने की ट्रिक के माध्यम से आपको मैंने समझाया है। कौन से मतलब फल में कौन सा विटामिन होता है वो भी मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझाया है, उसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साइंस के जो क्वेश्चन है उसकी एमसीक्यू की सीरीज भी अपन ने स्टार्ट कर रखी है, वन लाइनर्स क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी अपन ने अलग से स्टार्ट कर रखी है, साइंस का जो कंसेप्ट है उसकी सीरीज भी अपन ने अलग से स्टार्ट कर रखी है। तो पहले तो आप साइंस का जो कंसेप्ट है उसके वीडियो देख सकते हो, जो वन लाइनर्स क्वेश्चन आंसर है उसके वीडियो देख सकते हो, और जो एमसीक्यू की अपन ने सीरीज स्टार्ट करके है जिसके लगभग अपन ने 18-19 पार्ट हैं वो अपन ने कवर कर लिए हैं, और हर एक टॉपिक में लगभग अपन ने 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर किया है हर एक वीडियो में। तो वो सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको साइंस जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर अगर आपको पढ़ने हो तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर वो सारे क्वेश्चन है वो देख सकते हो। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चनों का वो कलेक्शन किया गया है। तो देखिए खोज और आविष्कार से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिला था असिस्टेंट लोको पायलट के अंतर्गत, और देखिए जीव विज्ञान आपकी जो बायोलॉजी है उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला था, प्रकाशिकी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आया था, जियोग्राफी से रिलेटेड है वो भी एग्जाम में क्वेश्चन है वो देखने को मिला है। देखिए इंडियन जो जियोग्राफी है उससे रिलेटेड भी आपने वीडियो है वो प्रोवाइड करवा रखा है, जो राजस्थान की जो जियोग्राफी है जिस जो भी स्टूडेंट आरपीएससी एलडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके रिलेटेड भी मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है। जो भी स्टूडेंट जियोग्राफी से मतलब अध्ययन करना चाहते हैं तो मैंने आपको दो वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं, दो वीडियो मैंने आपको जो जियोग्राफी है उससे रिलेटेड मैंने आपको 150 प्लस एमसीक्यू हैं वो उसमें अपन ने कवर किए हैं, और हर एक एमसीक्यू को अपन ने डिटेल के माध्यम से समझा है। यानी कि जैसे चार ऑप्शन उसमें आए थे तो जैसे जो वो कौन सा सही है, तो इसके अलावा जो को तीन ऑप्शन जो गलत है तो वो क्यों गलत है, उसके बारे में अलग से कौन से फैक्ट्स बनते हैं वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो वो दोनों वीडियो की लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं, वरना आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, देखिए इसमें नेक्स्ट आया था महत्वपूर्ण तिथियाँ, जो वर्ष के जो भी महत्वपूर्ण दिन होते हैं, जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उससे रिलेटेड मैंने आपको दो वीडियो अलग से प्रोवाइड करवा रखे हैं। पहले वीडियो मैंने आपको जनवरी से लेकर वो जून माह है उससे रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया है, दूसरे वीडियो मैंने आपको जो जुलाई है उससे लेकर आपको दिसंबर माह है उसके बीच में जो भी इंपॉर्टेंट डेट आते हैं उससे रिलेटेड मैंने आपको दो वीडियो अलग से प्रोवाइड करवाए हैं, और हर एक वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि हर एक मंथ में कौन सा दिन है वो इंपॉर्टेंट रहता है, दिन और तिथियों से रिलेटेड, दिन और दिवस से रिलेटेड वो वीडियो है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जिस भी कैंडिडेट की आगे की जो एग्जाम है उस वीडियो को एक बार जरूर देखना, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से उस जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो दिन और दिवस हैं उससे रिलेटेड आप अध्ययन कर सकते हो। देखिए खेल से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, और भी कई तरीके के क्वेश्चन हैं वो जीके के से रिलेटेड आपको पूछे गए थे। देखिए आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट जो टेक्नीशियन की एग्जाम हुई है 2018 में, उसको सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन आंसर का मैंने संग्रह किया है स्टूडेंट के साथ में बातचीत करके, तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है वो इस तरीके से पूछे गए थे उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए गांधी जी का जो जन्म है उसकी तारीख है वो पूछी गई थी, तो देखिए गांधी जी का जो जन्म है यानी कि गांधी जी के बारे में मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अपन ने जो भी स्टडी की है ना उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं, आप देख सकते हो, चाहे मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके हर एक वीडियो को वॉच कर सकते हो, उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। गांधी जी से रिलेटेड मैंने आपको लगभग 25 मिनट का वीडियो प्रोवाइड करवाया है, उस 25 मिनट के वीडियो में मैंने आपको गांधी जी के बारे में सारी अध्ययन करवाया, मतलब गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर प्राप्त की थी, उसके पिता का नाम क्या था, कहाँ के वो दीवान थे, बाद में इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बाद में इन्होंने वकालत की तो वो कब कब गए थे विदेश, विदेश में इन्होंने क्या क्या काम किया था, विदेश में पहला सत्याग्रह कौन सा था, विदेश में पहले जेल कब गए थे, विदेश में पहले इन्होंने पुस्तक है वो कौन सी लिखी थी, बाद में वापस ये इंडिया कब आए थे, इंडिया में पहला सत्याग्रह कौन सा हुआ था, कौन कौन से इन्होंने आंदोलन शुरू किए थे, कौन से आंदोलन इनके सफल रहे थे, कौन कौन से आंदोलन में जो भी इंपॉर्टेंट जो घटनाएँ हुई थी उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया है, गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, किस तरीके से हुई थी, डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको अच्छे से समझाया। गांधी जी को जो इंग्लैंड में जो जिस स्टेशन पर जो
उनको ट्रेन से धक्के देकर बाहर निकाला गया था, वो स्टेशन का नाम भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब इस तरीके से अपन ने गांधी जी के बारे में फुल मतलब डिटेल से केस स्टडी की है कि उस वीडियो से बाहर कुछ पूछा ही नहीं जा सकता, और हर एग्जाम में गांधी जी से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखना, उसकी प्लेलिस्ट में मैंने आपको उसकी वीडियो की भी लिंक दे रखी है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो, वरना आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके और डिस्क्रिप्शन दोनों चेक कर सकते हो, आपको वो वीडियो जरूर मिल जाएगा। देखिए गांधी जी की जन्म की तारीख है वो पूछी गई थी। कर्नाटक के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो कौन है उसके बारे में पूछा गया था। तो देखिए कर्नाटक के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, मैंने आपको मुख्यमंत्रियों से रिलेटेड जो वीडियो प्रोवाइड करवाया था उसमें मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट फिर बताया था, मैंने आपको इसमें स्टार लगा के बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में काफ़ी चर्चा का विषय रहा है, तो इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखिए वो कर्नाटक का मुख्यमंत्री है उससे रिलेटेड एग्जाम में आ गया। रेलवे जो जोनों की संख्या है वो कितनी थी, तो रेलवे के जोनों की संख्या उससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा गया था। आगे जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है वो कौन सा है, तो देखिए जीएसटी के बारे में मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है। जीएसटी से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जीएसटी की जो टैक्स स्लैब होती हैं वो चार होती हैं। जीएसटी की मतलब कौन से देश में पहले लागू किया गया था, कौन से सन में लागू किया गया था, जीएसटी मतलब जो दरें होती हैं वो चार कौन कौन सी कितनी कितनी परसेंट की वो दरें होती हैं, और हर एक मतलब महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो जीएसटी के बारे में मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाया है। आप हमारी प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको मिस हेलेनवेस के नाम से एक आपको फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर में आपको ये जीएसटी से रिलेटेड जो टॉपिक है वो आपको फुल वीडियो उसमें मिल जाएगा, आप वहाँ से जीएसटी के बारे में कंप्लीट अध्ययन कर सकते हो। देखिए आगे इसमें क्वेश्चन आया था एनआरसी से संबंधित एक सवाल, एनआरसी से संबंधित भी एक सवाल है वो असिस्टेंट लोको पायलट की एग्जाम है उसमें पूछा गया है। नेक्स्ट इसमें आता है हृदयनाथ मांगेश्वर से किसी से संबंधित किया गया है, तो देखिए हृदयनाथ जो मंगेशकर है से किसी से सम्मानित किया गया है ये क्वेश्चन है वो असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में ये क्वेश्चन है वो भी पूछा गया था। आगे देखिए विद्युत कंडक्टर से संबंधित एक सवाल आया था, जो अपनी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की जो मतलब स्टडी चल रही है वर्तमान में, आपको जो टाइम टू टाइम वीडियो प्रोवाइड हो रहे हैं डेली, तो विद्युत कंडक्टर से रिलेटेड भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, किस मुख्यमंत्री के पिता महाराज राजा थे। तो देखिए इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस मुख्यमंत्री के पिता महाराजा राजा थे, ये क्वेश्चन भी लोको पायलट में आया है। सिक्किम के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो देखिए गवर्नर वाला क्वेश्चन आ गया, मैंने बताया था आपको जो राज्यपाल हैं उससे रिलेटेड भी एक जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा गया है। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया, देखिए खोज और आविष्कारक वाला जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया उसमें मैंने आपको बताया हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था, तो देखिए हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था ये वीडियो ये इसमें क्वेश्चन है वो भी असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में पूछा गया था। व्यास सम्मान पुरस्कार किससे संबंधित है, देखिए लगभग अपने दो तीन दिन पहले मैंने आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था व्यास सम्मान उसके सम्मानित 2017 से सम्मानित कौन है, जो इसमें जो सरस्वती सम्मान है, देखिए सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था, सरस्वती सम्मान से सम्मानित किसे किया गया है, व्यास सम्मान से सम्मानित किसे किया गया है, दोनों के बारे में मैंने आपको अलग से बताया था, उसका वीडियो मैंने आपको 2-3 दिन पहले प्रोवाइड करवाया था। तो देखिए आप हमारी जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, वरना उसकी लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक ये भी आया था कि पैरा ओलंपियन का नाम दें जिसे हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो देखिए वो पैरा ओलंपियन कौन है जिसको हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ये क्वेश्चन भी लोको पायलट में पूछा गया है। ओलंपिक 2016 है कहाँ आयोजित किया गया था, तो ओलंपिक 2016 का आयोजन है वो कहाँ पर करवाया गया था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में लोको पायलट में पूछा गया है। एनआरसी से संबंधित एक सवाल आया ही था, इसमें सेशेल्स से संबंधित एक सवाल है वो भी पूछा गया था, सेशेल्स से संबंधित एक सवाल आया है। मिरर से संबंधित एक सवाल जो आपका दर्पण है, दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड भी इसमें एक क्वेश्चन है वो पूछा गया है। उड़ीसा किस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित है, तो देखिए उड़ीसा है वो कौन सी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित है, ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन है वो असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में पूछा गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो देखिए थोड़े दिन पहले अपने वीडियो प्रोवाइड करवाया था उसमें मैंने आपको जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभी ने आपको बताया था कि सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो प्रदान किया जाता है, और जो 2018 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किसको प्रदान किया गया था वो भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। तो देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो कौन से क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आपके असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में उसमें पूछा गया था। देखिए इस तरीके से ये बहुत सारे क्वेश्चन लोको पायलट के एग्जाम में पूछे गए थे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, मैथ के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, और भी देखिए कई तरीके की इसमें जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी जो आपको प्रोवाइड करवानी जरूरी थी, जिस भी स्टूडेंट की आगे के असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम है उसके लिए जानकारी जाननी जरूरी है कि किस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से हम हर एक भर्ती से रिलेटेड आपको सूचना प्रोवाइड करवाते रहते हैं, हर एक आपको वीडियो आंसर की है
वो हर एक महत्वपूर्ण नोटिस है वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। देखिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी आप शेयर कीजिए ताकि जो भी कैंडिडेट असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ये जान सकें कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ताकि उनकी स्टडी में भी उनको हेल्प मिल सके। और देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि 25,602 पोस्ट थी उनको बढ़ाकर अब 60,000 पोस्ट हैं वो कर दी गई हैं। असिस्टेंट लोको पायलट की एग्जाम है उसमें आपको 60,000 पोस्ट हैं उसके ऊपर आपका चयन करवाया जाएगा। तो देखिए ये जो पोस्ट थी उनको बढ़ाकर 60,000 पोस्ट है वो भी कर दी गई है। तो ये भी एक खुशखबरी है जो भी स्टूडेंट असिस्टेंट लोको पायलट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेनिफिट है कि पोस्ट हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई। देखिए इसी तरीके से हम हर एक सूचना आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। जय हिंद जय भारत।